हाँ तो कहानी शुरू होती है और हमें दिखाते हैं एक कॉलेज जहाँ पे पढ़ाई का तो पता नहीं लेकिन लड़ाई और लड़कीबाजी हमेशा होती रहती है। Exactly. और इस कॉलेज में चल रहे हैं दो पार्टियों के बीच कॉलेज इलेक्शन, जिसमें एक तरफ है हमारे सल्लू भाई, बोले तो राधे भैया का कैंडिडेट जीतेगा तो उससे क्या फायदे होंगे सुनिए। आप मैथिली शो में पिक्चर जा सकेंगे और आपकी हाजिरी लगा दी जाएगी। परीक्षा में आप नकल का पर्चा ले जा सकते हैं। सुंदर लड़कियों को आंख मारने पर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। अरे फ्री में बिजली देने को बोल दो वैसे ही जीत जाते यार। नहीं समझ में आता तो दिल्ली वालों से कुछ सीखो ना। जो दिल्ली वालों छोड़ो। फिर इसके बाद सामने से दौड़ के आता है राधे भैया का चमचा, जो कि बताता है कि राधे भैया की पार्टी जीत चुकी है। अब इलेक्शन जीतने की खुशी में ये लोग भी वही काम करते हैं जो कि बाकी नेता करते हैं, जो कि है लड़कियां नचवाना। और मूवी में आ जाता है एक गाना, गाना तो खत्म हो जाता है लेकिन तभी बदला लेने आ जाते हैं अपोजिशन पार्टी, जो कि है एक नंबर के गुंडे मवाली। लेकिन अपने राधे भैया कॉलेज के बदमाश निपटा देते हैं सबको सिंगल हैंडली। फिर इसके बाद हमको दिखाई जाती है मूवी की हीरोइन, जिसका नाम है निर्जरा। लेकिन इसके होंठ इतने मोटे कैसे है बे? गोरिल्ला से पप्पी ली थी क्या? फिर हमें दिखाते हैं निर्जरा का बाप और उसका होने वाला पति, जो कि है रवि किशन, और साथ ही साथ एक पुजारी। अब क्योंकि निर्जरा का हो चुका है कॉलेज में एडमिशन, इसलिए पुजारी देता है उसे ज्ञान। बारहवीं तो पास कर ली, अब आगे क्या सोचा है बेटी? अब ये कॉलेज जाएगी तुलसीराम जी। कॉलेज? कॉलेज जाके क्या करेगी? करनी तो शादी है ना। ये बुड्ढा मेरे बीच में बहुत बोलता है। अब पुजारी की बात खत्म होने के बाद अगले दिन हमारी निर्जरा दीदी पहुंच जाती है कॉलेज, जहां उन्हें मिलते हैं राधे भैया, जो कि बुलाते हैं निर्जरा को अपने पास करने को रैगिंग उनके साथ। ये क्या? अब इतनी मीठी मीठी बातें सुनने के बाद दीदी भी लाइक, अभी गाने वक्त चुपचाप रहो, बहुत खराब आ रहा तू भाई। अब कुछ दिन आशिकी करने के बाद कॉलेज में होने वाला है एक प्रोग्राम, लेकिन कॉलेज के बच्चे हैं एकदम जाहिल, नहीं करने देते दीदी को अपना प्रोग्राम प्रारंभ। लेकिन एज वी नो हमारे राधे भैया है कॉलेज के बदमाश, और वो पहुँच जाते हैं स्टेज पे और सबको डरा के कर देते हैं खामोश। चावल सबके निकलेंगे बट निकलेंगे उसके जो खड़ा रहेगा यहाँ पे। बाबा जी मन नहीं मार की। फिर इसके बाद मूवी में जबरदस्ती घुसाया जाता है एक गाना, जिसे सुनना बहुत जरूरी है। तुमसे मिलना बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। फिर हमें पता चलता है कि निर्जरा की एक बहन भी है, जिसके पति ने उसे मायके वापस भेज दिया है क्योंकि एक नंबर का लालची है वो, उसे पैसा चाहिए। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि निर्जरा दीदी जाती है सल्लू भैया के घर मांगने उनसे हेल्प, और आपको तो पता ही हमारे सल्लू भैया कॉलेज के बदमाश, कर देते हैं उनकी प्रॉब्लम झट से सॉल्व। लेकिन बदमाशी का फायदा उठा के लड़की को अनकंफर्टेबल करना भी तो जरूरी है ना। एक लीजिए ना डाइट को, ये लीजिए। बाबा जी मन नहीं मार की। अब जैसा कि हम लोगों को मालूम है कि राधे भैया को हो चुका है निर्जरा दीदी से प्यार, और हमारे राधे भैया दोस्तों के चढ़ावे में आ जाते हैं और पहुंच जाते हैं निर्जरा दीदी के पास करने को अपनी दिल की बात। आले मिल जानम, आले बुलका मतलब ना दूल्हा आपका फूल करना। लेकिन हमारी निर्जरा दीदी को नहीं आ रही थी सल्लू भाई की बातें समझ, और उनके मुँह से गलती से निकल जाता है हाँ, जिसकी वजह से हमें मूवी में एक और गाने से तड़पाया जाता है। तो अगले दिन रामेश्वर भैया आते हैं निर्जरा को छोड़ने कॉलेज ऑन स्कूटर, और उनको देख लेते हैं राधे भैया, जिसको देख के राधे भैया की जाती है जल, जैसे रामेश्वर और शोले वाला गब्बर। एस पर राधे भैया उनको तो यही लगता है कि लड़की है उनसे सेट, इसलिए वो चले जाते हैं ट्रेन में देने को निर्जरा दीदी को उपहार, पायल का एक सेट। लेकिन रियल लाइफ की तरह सल्लू भाई के साथ रियल लाइफ में भी हो जाती है KLPD, और हीरोइन उनको छोड़ जाती है बोल के गुंडे मवाली कहीं के। अबे करना क्या है, चौथा गाना डालो और मूवी को थोड़ा और लंबा बनाओ। एक ही ख्वाहिश है हमारी, मुझे सिल तोड़नी है तुम्हारी। नाउ नेक्स्ट डे सल्लू भाई के दोस्त के साथ कुछ चकले वाले कर देते हैं बदतमीजी, और हमारे सल्लू भाई तो है बदमाश, वो पहुंच जाते हैं उनसे बदला लेने, लेकिन वहां मिल जाती है उन्हें निर्जरा की दीदी। अबे ये पैसे लेने के लिए यहां तक पहुंच गई? बताओ एक्चुअली यहां निर्जरा की दीदी पहुंच गई है बाय मिस्टेक, और तभी पड़ जाती है यहां पे पुलिस की रेड। लेकिन अपने सल्लू भाई है दिल के बहुत अच्छे, इसलिए वो निर्जरा की दीदी को वहां से बचा के ले जा रहे होते हैं। लेकिन तभी निर्जरा वहां आ जाती है, और निर्जरा भी लाइक, लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहां पे? अरे दीदी वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम चकले के बाहर क्या कर रही हो? है। लेकिन अपने सल्लू भाई अभी भी नहीं माने हैं हार, और वो चले जाते हैं निर्जरा दीदी को प्रपोज करने फिर से एक बार मंदिर के बाहर। निर्जरा सिर्फ 2 मिनट की मेरी बात सुनो। मुझे कोई बात नहीं करनी तुमसे। जो तुम मेरे बारे में सोचती हो बिल्कुल गलत सोचती हो। चल राजा।
ठीक है ना, इतनी बेइज्जती के बाद सल्लू भाई डिसाइड करते हैं वो बनाएंगे मिनी व्लॉग और सिखाएंगे लड़की पटाने का तरीका। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई लोगों का स्वागत आपका मेरे मिनी व्लॉग में। तो सबसे पहले तुम्हें लड़की को ओमनी वैन में किडनैप करना, फिर उसको ऐसी जगह लेके जाना जहाँ कोई ना आना जाना। ध्यान रखना लड़की को मारने का नहीं, केवल डराने का। और फिर थोड़ा टॉर्चर करने के बाद लड़की के सामने झूठा एक्टिंग करके रोके दिखाना, इससे लड़की तुम्हारे प्यार में फंस जाना और फिर तुम ओयो में जाना। आगे मेरे को कुछ और नहीं बताना, लेकिन इसके बाद एक गाना आना जरूरी। तो चलो भाई लोगों सुनते गाना। तो भाई लोगों फाइनली लड़की हो चुकी है सेट और हमारे राधे भैया जा रहे हैं ओयो होटल रूम बुक करने, लेकिन तभी रास्ते में मिल जाते हैं उन्हें गुंडे बदमाश जो कि पट से लगाते हैं उनको हेडशॉट। नाउ सल्लू भाई के उड़ जाते हैं होश और गुंडे बदमाश उनके सर को ठोक ठोक के उन्हें कर देते हैं बेहोश। नाउ उतनी मार खाने के बाद सल्लू भाई को ले जाया जाता है हॉस्पिटल, जहां हमें पता चलता है सर पे चोट लगने की वजह से उनकी हार्ड डिस्क हो चुकी है फॉर्मेट और ये डॉक्टर नहीं कर सकता उसकी हार्ड डिस्क रिकवर। इसलिए डॉक्टर भी लाइक, ये मेरे से नहीं होगा इसका इलाज, इसे ले जाओ दाढ़ी वाले बाबा के पास क्योंकि उनके पास ही है ऐसा सॉफ्टवेयर जिससे हो सकता है इसके हार्ड डिस्क की मेमोरी रिकवर। फिर इसके बाद सब लोग मिलकर ले जाते हैं सल्लू भाई को दाढ़ी वाले बाबा के पास। वैसे मुझे बड़ा दुख हो रहा है, जिस उम्र में लड़की सेट होने के बाद सब लोग ओयो जाते हैं और हमारे सल्लू भैया पागल खाने जा रहे हैं। बाबा जी मन नहीं मार की। अब भाई इतना दुख भरा सीन चल रहा है तो मूवी में दुख को जताने के लिए जबरदस्ती का एक गाना भी ठूसो। ये प्यार में क्यों होता है। अरे सल्लू भाई ये प्यार में क्या हुआ, ये तो बदमाशी में हुआ है और कर लो बदमाशी, फल तो मिलना ही था। कैसी लगी? इसके बाद दाढ़ी वाले बाबा कर देते हैं हार्ड डिस्क के डाटा रिकवरी का काम शुरू, जिसका प्रोसेस है पहले सल्लू भाई को कराए जाते हैं सूखे नशे और हाँ और साथ में दिया जाता है चखना, जिसके बाद हो जाते हैं उनको नशे और हैंगओवर उतारने के लिए लगाया जाता है सर पे गीला कपड़ा, फिर मोर पंख से करते हैं गुदगुदी और साथ में बैंकॉक वाली मसाज। एंड गेस व्हाट, धीरे धीरे सल्लू भाई की याददाश्त वापस आने लगती है। और जैसे सल्लू भाई की याददाश्त वापस आती है उन्हें लगता है यहाँ पे तो सारे मेल है, कोई फीमेल है ही नहीं, इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो यहाँ से भाग जाएंगे। अब सल्लू भाई हो चुके हैं पहले राउंड में फेल और वहीं दूसरी तरफ निर्जरा डिसाइड करती है कि वो जाएगी सल्लू भाई से मिलने और देखेगी कैसी होती है पागलों वाली जेल। फिर जैसे ही निर्जरा दीदी पहुंचती है पागल खाने और सल्लू भाई को देख के निर्जरा दीदी भी लाइक आती है जाती है, वैसे भी ये नल्ला है। नौ सल्लू भाई की फिर से जाग उठती है ठरक और वो डिसाइड करते हैं वो करेंगे सेकंड अटेम्प्ट इस जेल से भागने का और इस बार वो सक्सेस भी हो जाते हैं, लेकिन पागल खाने के कर्मचारियों को पता चल जाता है और वो गाड़ी लेके उसे ढूंढने निकल जाते हैं। मैं तमाम चुनौतियों का सामना करता हुआ उन जगहों पर भी टिका रहूंगा जहां जान बचाने के सही गुर जाने बिना आप एक दिन नहीं टिक सकते। नौ सल्लू भाई को पहुंचते पहुंचते हो जाती है सुबह और वो पहुंच जाते हैं अपने बंदी के पास, लेकिन वहां पहुंचते ही पता चलता है निर्जरा तो टपक चुकी है। बाबा जी मन नहीं मार की। भाई देख रहे ठरक ने बंदे को कहां से कहां पहुंचा दिया है, ये नहीं है इसके घर वाले भी शहर में रहते हैं, उनसे नहीं मिलने गया सीधा बंदी से मिलने आया है। तो लौंडियाबाजी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। खैर कुछ भी हो यहां पे राधे को देख के इसके सारे यार दोस्त और फैमिली वाले हो जाते हैं इमोशनल और बिना टाइम वेस्ट करे पागल खाने की गाड़ी भी आ जाती है ताकि वो सल्लू भाई को फिर से पागल खाने ले जाए। लेकिन एक बात बताओ सल्लू भाई पैदल ही अपने गर्लफ्रेंड के पास पहुंच गए और ये अस्पताल वाले गाड़ी से हैं, ये तब भी इतना लेट पहुंचे। गोलमाल है भाई सब गोलमाल है। तो भाई अब हमें पता चल जाता है कि निर्जरा दीदी पहुंच चुकी है परलोक और राधे भैया जाएंगे पागल लोक। और कहानी यहाँ हो जाती है खत्म, सीधे शब्दों में बोलूं तो दी एंड। तो भाई बस आज की वीडियो में इतने कैसा लगा बता देना और तो कमेंट जरूर करना नेक्स्ट वीडियो कौन सी मूवी पे, तब तक के लिए चलता हूँ बाय बाय।